नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस चैनल। और हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एमपीपीएससी। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो 5th यूनिट है, संविधान किसको कहते हैं। ओके, तो संविधान क्या होता है? संविधान के बारे में जैसा बताया जाता है कि संविधान किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है। सुप्रीम लॉ मतलब होता है कि कोई भी कंट्री होती है, कोई भी देश होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट गाइड हाउ थ्री पार्ट्स ऑफ स्टेट मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशियरी रन। मतलब किस तरह से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका काम करती हैं, इसको डिफाइन करने का काम संविधान के द्वारा किया जाता है। अगर हम संविधान की कुछ बेहतरीन फीचर्स की बात करें या बहुत महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें, तो दिस इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसके पीछे कारण क्या है कि हमारा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये भारत का संविधान होने के साथ साथ भारत के जो राज्य हैं, राज्यों का भी संविधान है। यानी जैसे अमेरिका के संविधान की बात करें हम, तो अमेरिका का संविधान सिर्फ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वो सिर्फ संघ का संविधान है। वहाँ हर एक राज्य के अपने अलग अलग संविधान है, इसीलिए अमेरिका का संविधान का साइज हमारे संविधान के तुलना में बहुत छोटा है। इसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका दूसरा फीचर है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारी संविधान सभा ने संविधान तैयार कर लिया। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। उसके बाद क्या किया गया कि उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किए उनको आर्टिकल बाय आर्टिकल लिखा गया और संविधान को लिखने का काम किया प्रेम बिहारी नारायण राय ज़ादा। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़ादा या प्रेम बिहारी सक्सेना भी कहते हैं इनको। तो इन्होंने हमारे संविधान को अपने हाथों से लिखा, यानी इसकी जो हैंड स्क्रिप्ट है वो भी हमारे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में, संसद की लाइब्रेरी में मौजूद है। और इसके बाद फिर उसी की कॉपी कराई गई, उसी की प्रिंट ली गई जो हमारे आपके पास होती है। इट इस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, नॉट द पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सबसे खास बात क्या है, इसको समझने के लिए हम समझते हैं दो और कॉन्स्टिट्यूशंस की। जैसे पहला है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम यूके या ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो यहाँ इनफैक्ट पहली बात तो यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज़ नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज़ नहीं होने का मतलब हुआ कि यहाँ सब कुछ, यानी पूरा जो पॉलिटिकल सेटअप है, पूरा जुडिशियल सेटअप है, पूरा लेजिस्लेटिव सेटअप है, एग्जीक्यूटिव सेटअप है, वो जैसा परंपरा से चला आ रहा है बस वही मेंटेन किए जा रहे हैं। और बाकी वो जो पार्लियामेंट है या जो गवर्नमेंट है वो परंपरा से जैसे काम कर रही है वही करती आ रही है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जहाँ कहीं भी उसमें कुछ अमेंडमेंट या संशोधन की ज़रूरत पड़ती है, तो पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट एक जो जो ऑर्डिनरी लॉ होता है, ऑर्डिनरी लॉ से चीज़ों को क्लियर कर देती है। यानी यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज़ नहीं है। तो इस देश में जो पूरा सिस्टम है कैसे चलता है, पार्लियामेंट से चलता है, यानी पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया लॉ ही कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता है। तो यूके में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, यानी संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत यूनाइटेड किंगडम के लिए काम करता है। ऐसा कहा जाता है ब्रिटेन की संसद के बारे में कि अगर ब्रिटेन की संसद चाहे तो एक व्यक्ति को, एक पुरुष को महिला बनाना और महिला को पुरुष बनाने का काम छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारा काम ब्रिटेन की संसद कर सकती है। यानी इतनी पावरफुल है ब्रिटिश पार्लियामेंट। दूसरा, अगर हम कहें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जुडिशियल सुपरमेसी है, यानी जुडिशियल सुपरमेसी यानी न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत काम करता है। वहाँ जुडिशियरी बहुत पावरफुल है। इनफैक्ट एक्चुअल में है क्या कि वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, अमेरिका में संविधान बना 1778 में, 1778 में वहाँ संविधान बना, और संविधान बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर किया गया, संविधान में संशोधन का जो प्रोसीजर किया गया, इतना टफ किया गया कि नॉर्मली वहाँ की जो कांग्रेस है यानी वहाँ का जो सीनेट है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बहुत आसानी से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या अमेरिकी संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। जब से अमेरिका का संविधान बना है 1778 से लेकर के और अब तक मात्र 25-26 संशोधन हुए हैं, जबकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, और 26 जनवरी 1950 से अब तक लगभग मान के चलिए कि जो 70-75 साल हुए, इन 70-75 सालों में हमारे यहाँ 105 से अधिक संशोधन हो गए, मतलब 105 अमेंडमेंट हो गए। तो वहाँ अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ जैसा है, उसी तरह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी वहाँ की जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको वहाँ फेडरल कोर्ट कहा जाता है, फेडरल कोर्ट को वो गार्जियन बना के छोड़ा हुआ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक बना के छोड़ा हुआ है। तो जब पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर नहीं सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसका गार्जियन है, तो गार्जियन जो है वो सुपर पावर में आ जाता है, मतलब गार्जियन ही पूरा सभी बॉडीज को अपने कंट्रोल में रखता है, यानी वहाँ जुडिशियल सुपरमेसी है। लेकिन हमारे देश में अगर हम बात करें तो एक चेक और बैलेंस की थ्योरी काम करती है। चेक बैलेंस का मतलब हो गया कि जुडिशियरी हो गई, इसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई, इसके बाद लेजिस्लेचर हो गया। ये तीनों ही बॉडीज, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेचर, ये तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। यानी कई मामलों में जुडिशियरी विधायिका यानी न्यायपालिका विधायिका को, और कई मामलों में विधायिका न्यायपालिका को, और कई मामलों में न्यायपालिका सरकार को, और कई मामलों में सरकार जो है वो पार्लियामेंट को, इस तरह से सभी एक दूसरे को बैलेंस बना के चलते हैं। तो हमारे यहाँ क्या कहा जाए कि किसकी सुपरमेसी है, किसकी सर्वोच्चता है? तो अगर ऐसा पूछा जाए आपसे कि भारत में किस किसकी सर्वोच्चता चलती है, तो यू विल से कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, यानी हमारे यहाँ संविधान ही सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कोई नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। यानी हमारा जो संविधान है, देश का संविधान है, ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 से संविधान पूरे देश में लागू हो गया।